ग्रहण ग्रहण करूंगी, मैं अनग्रहण नहीं करूंगी। और उसी के साथ एक व्रत और लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से, मैं सोचती हूँ कि ये हवन है एक तरह से। आज जो हम सभी, नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज के लिए नरेंद्र रांगी। आज भिवानी, जो भिवानी बचाव संघर्ष समिति है, इसके तत्वावधान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जो भिवानी का लघु सचिवालय है, इसके बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए धरना लगा दिया है। और वहां पर आज बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना जारी था। उसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी पहुँचे, और अशोक तंवर ने अपने ओजस्वी भाषण में बहुत कुछ कहा। इसके साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन सुशील वर्मा जी को सबने मिलकर प्रतिनिधि चुना था, क्योंकि वो बहुत मजबूत थे, इस लड़ाई को इस लेवल तक लेके आ सकते थे, तो हम उनके सहयोगी हैं। और उन्होंने घोटाले के विरोध में आप लोगों ने रखी है, मैं सभी साथियों का, खासतौर से भाई सुशील वर्मा जी का, हमारे सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल जी का, बबलू प्रजापति जी, सुदर्शन जिंदल जी, इंद्रपाल इंद्र सिंह नंबरदार जी, हमारी सभी बहनें जो आज कार्मिक हड़ताल पे हैं, हमारे मीना जांगड़ा जी, रोथा सिंगला जी, नीलम जी, नरेश गोयल जी, रोहिला साहब, और एक पर नाम रह गया जी, अशोक जी। अशोक तो बेचारा पीछे ही रखा हुआ है। और सभी साथी मेरे साथ आए हुए, हमारे सभी साथी जन, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, दूसरे सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों के हमारे साथीगण, मीडिया के बहुत ही जुझारू साथी, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि पिछले दो महीने से आप लोग जागे। बीजेपी और ये पिछले 7.5 साल में लगातार करती रही। अब उमरा जी कह रहे थे कि भाई हम सड़कों के ऊपर रहे, सड़कों के ऊपर रहे, पुरानी व्यवस्था को भी जानते हैं, इसलिए हमें तो पता है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये 200-500 करोड़ का जो घोटाला जो आप कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। जब से बीजेपी आई है, अगर टोटल मिला करके देखोगे तो 50 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कर दिए हैं इस देश में। 50 लाख करोड़ रुपए के, 25 लाख करोड़ का तो केवल तेल में ऊंच नीच जो हुई है ना दामों में, 25 लाख करोड़ का तो ये अपने आप में घोटाला है। क्योंकि देखो, 10 साल पहले अंबानी के सारे जो है तेल पेट्रोल पंप बंद थे, आपने देखा होगा सारा। कौन आ गया, आ जाओ जी, बैठो, आपके चक्कर में सारा पूरा नजर इधर उधर चली गई, सब मेरी बात सुन नहीं रहे। 50 लाख करोड़ का तो घोटाला किया। ये तेल आप पेट्रोल पंप देखो, 10 साल बंद थे, बीजेपी ने आते ही सबसे पहले क्या किया, डीजल पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया। कुछ पैसा जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, सरकारी जो कंपनियां थी, उनके पास आया, उनका उन्होंने किस किस तरीके से किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। जहाँ वो पैसा लगा उसमें फिर आधा ले लिया, रोड बने तो उसमें आधा ले लिया, कोई और प्रोजेक्ट आया तो उसमें फिर आधा पैसा खा जो, तो ये तो खाने में लगे हुए हैं। लोगों को थोड़ा सा बाद में समझ में आता है, क्योंकि समुंदर होता ना, समुंदर किस किस ने देखा, हाथ खड़े करो एक बार। अभी भी समुंदर बहुत लोगों ने नहीं देखा अकबर की तरह। अकबर जो है देश का सम्राट बन गया था, लेकिन पहली बार जाकर गुजरात में अटैक किया था, तभी उन्हें सूरत में समुंदर देखा था। तो आप भी जो है समुंदर देख के आओ, समुंदर की सतह पे यूँ लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही है, पानी नॉर्मल दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या है, कौन से जीव जंतु हैं, कितनी गहराई है, इसमें क्या क्या होता है, वो जब तक कोई समुंदर में उतर के नहीं देखेगा और समुंदर का विशेषज्ञ नहीं बनेगा। फौजी साहब, मैं भी फौजी का हूँ, मेरा बाबू भी फौजी था ही, तो जब तक उस गहराई में उतर के नहीं देखेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही ये राजनीति भी है,
इस राजनीति में नीचे नीचे किस किस के कनेक्शन है, कैसे कैसे है, वो आदमी पूरा जीवन निकल जाता है तब भी नहीं पहचान पाता। और मेरे जैसा आदमी जो इनको देख के आया है, वो समुन्द्र में उतर के सारा गोता मार के आया 35,000 फीट पे, माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दो ना तो समुन्द्र उससे गहरा है, ऐसे ही राजनीति का समुन्द्र भी उससे गहरा है। तो मैं गोता मार के आया, मैं बताता हूँ कि भाई ये भ्रष्टाचार है, 5 साल 8 महीने खूब बताया, बीच में कोरोना और ये किसान आंदोलन आया, थोड़ा सा गति कम होगी। दूसरा आप जानते ही है कि भाई लोगों को जल्दी से कोई वो चिंता नहीं कि भाई ये कुछ करेंगे, कोई भी हो, कोई भी पार्टी, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी नेतृत्व जब नया तैयार होता है तो उसके ऊपर पहले उसके ऊपर उसका उपहास होता है कि भाई ये तो क्या है यार, कुछ नहीं है। जैसे कोई भी आता है, मुझे किसी एक का नहीं बताना चाहिए, झाड़ू वाले भी ऐसे ही थे भाई, लेकिन बाद में जब झाड़ू चलनी शुरू हुई तो फिर ठीक हो गए। तो ऐसे ही चीज़ें जब हम बताते तो वो लोग जल्दी से मानते नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आऊँ कि आपने जो मुहिम 2 महीने से चलाई, ऐसा कोई शहर नहीं जो बीजेपी ने लूटा नहीं। और लूट ऐसी ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था। देखो मैं माफी चाहूंगा इस बात की, मैं भी राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा हूँ, लेकिन ये घोटाले वालों के साथ मैं कभी नहीं रहा, ना हमने कभी इनके साथ वो किया। पूरी मजबूती से पार्टी के अंदर भी इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बाहर भी सारे लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, और लड़ने वाले भिड़ने वाले इसीलिए छोड़ भी आए, भाई थारी संभालो, भ्रष्टों के साथ तुम रहो, हम ठीक लोगों के साथ रहेंगे। तो इसलिए ना इस हरियाणा का कोई शहर है, ना इस देश का कोई शहर है। अब कितने लोग कब कब जागते हैं, कैसे कैसे इस भ्रष्टाचार और तमाम जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, देश के अंदर, उसको साफ करते हैं, तो आप लोगों ने तय करना है। लेकिन आप लोगों की ये जो भूख हड़ताल है, निश्चित तौर पर कामयाब आप लोग हो गए, हौसला रखने की जरूरत होती है। मैं भी कई बार भूख हड़तालों में बैठा हूँ, अलग अलग मुद्दे को लेकर के, जब यूनिवर्सिटी के समय से लेकर के कई बार बैठे हो, तो कोई ऐसी नहीं 5-7 दिन तो कुछ नहीं बिगड़ता है आपका, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम सारे साथी भी हम भी बैठेंगे, आप भी। तो जो भी आपकी मांगे, 6 की 6 मांगे, मैं उसको दोहराऊंगा, तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन सारी मांगों के साथ हम पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं। और इसमें आप जिन भी साथियों ने मांगों को लिखा है, उसने लिखा कि प्रशासन से हमारी प्रमुख मांगे हैं। अब प्रशासन तो बेचारा सरकार का जमूरा है या नहीं है, तो सरकार का जमूरा क्या करेगा आपके लिए? तो आप तो ये जनता से मांग करो कि जनता से हमारी ये मुख्य मांगे, जनता हमारा साथ दे। प्रशासन से कुछ नहीं होना ना, आप कुछ कहोगे ऊपर से फोन आ जाएगा, आप देखिए नहीं अपनी गलती से, ये तो पुराने वालों को ही बचाने, जिन्होंने पूरा देश लूट के खा लिया उनको भी बचाने में लगे, केवल इसलिए कि इनको राज में रहना, उन्होंने इनके नागरिक जी कुछ भी कर दिया उनके सामने, उन्होंने कहा कि भैया भी ठीक है, कुछ पैसे पुसे भी ले लिए। तो इसलिए आज भी जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था पिछले 7-8 साल में देश के अंदर, जेल में गया भाई हो, मेरे बुजुर्गों को बताओ, बहनों बताओ, कितने कितने इन्होंने फायदे, कितने कितने लाख करोड़ के घोटाले हो, पूरा दुहाने दुखी कर रखा। तो ऐसा जो मामला है इसके खिलाफ मजबूत आवाज आप लोग उठाओ, हम तो जैसे भी हैं हर तरीके से आपके साथ मिल करके खड़े रहेंगे, और कामयाबी आपको मिले इस तरह के घोटाले बाद जो है वो जेलों के पीछे जाए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक ऐसा एस ग्रुप था, आपने नाम सुना, जो साथी सुशील वर्मा जी के साथ वो हड़ताल में शामिल होना चाहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा कर ले ताकि हम नाम बोल दें, वो उनकी बच्ची है, वो कितने के शामिल होंगे वो हम नहीं पूछेंगे, जो शामिल होना चाहते। एडवोकेट चरण सिंह भैया, वीरेंद्र सिंह जी गढ़वाल फौजी साहब, और रोहतास सिंगला जी,
सुदर्शन जिंदल जी और किसका नाम रह गया है, सरोज जांगड़ा जी, मीना जांगड़ा जी, बबलू एमसी, एमसी के नाम से मशहूर है इसलिए एमसी बोलते हैं, धर्मेंद्र रोहिला जी, नीलम अग्रवाल जी, इंद्रपाल सिंह जी, कालू नंबरदार उर्फ कालू नंबरदार, और कोई साथी रह गया हो, एक भाई का नाम मैं भूल गया था, अब थोड़े साथी थोड़ा थोड़ा स्थान देते, मीडिया वाले आएंगे और मीडिया वाले ठगों को गिरफ्तार करो, भिवानी की एकता जिंदाबाद, भिवानी की एकता जिंदाबाद, भिवानी का सती बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, भिवानी का सती बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, ठगों को गिरफ्तार करो, मुजरिमों को गिरफ्तार करो, भगोड़ों को गिरफ्तार करो, लुटेरा है नहीं खटारा है, हरियाणा का लुटेरा है, भिवानी के लूटने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भिवानी को लूटने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भगोड़ों को गिरफ्तार करो, देखो ये तो लूट का मॉडल है देश में जो 2014 से बड़े पैमाने पे आ गया है, मोदी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, खट्टर भी उस लूट में शामिल है, और यहाँ के जो है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हों, दूसरे बीजेपी के नेता हों, या सबके नाम अभी सब साथियों ने बोले हैं, और ये एक शहर में नहीं है, ये कोई शहर ऐसा नहीं बचा हुआ जहाँ पर इस तरह के घोटाले ना हुए हों, फरीदाबाद से लेकर के चाहे वो सिरसा हो, चाहे कोई और हो, अम्बाड़ा हो, कोई शहर ऐसा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये जो साथियों ने पिछले 2 महीने में भिवानी को जगाने का काम किया, कुछ लोग जेल में गए लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं, तो 80 लाख के अंडरगारमेंट किसको पहना दिए बीजेपी वालों ने, पता नहीं, ये कहते हैं हम तो अकेले हैं भाई, हम तो रंडवे हैं, लेकिन 80 लाख के अंडरगारमेंट इन्होंने पहना दिए, और उसके साथ साथ जो है लगातार सरकार का दबाव है ताकि कोई पकड़ा ना जाए, लोग फरार हैं यहाँ से, तो हम तो सारी मांगों का समर्थन करते हैं, और हम पहले ये सोचते थे कि केवल गुड़गांव में ही तालाबों को घेर करके और बड़े बड़े बिल्डरों को किया जा रहा है, यहाँ भी तालाब बेच दिए, यहाँ भी जो सार्वजनिक टॉयलेट स्थल थे वहाँ पर दुकानें बना दी गई, तो ये सरकार पूरी तरीके से लूटने वाली सरकार है, महापूंजीपतियों को भी मदद कर रही है, और साथ में जो इनके नीचे उनके एजेंट हैं लुटेरे उनको भी मदद करने का काम कर रही है, तो मैं तो भाई सुशील जी को, इनके तमाम साथियों को जिन्होंने ये लड़ाई पिछले 2 महीने लड़ी है उनको बधाई देता हूँ, और आज इसे ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनके तबीयत ठीक होते होते ये सरकार उनको गिरफ्तार करेगी, नहीं तो आगे का जो भी रास्ता है जो अख्तियार भिवानी की जनता करेगी, हम भिवानी की जनता के साथ है, इसमें पूर्व सैनिकों से लेकर के आम आदमी, जन साधारण, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, और ये जज्बे वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को ये इस देश से समूल इसका खात्मा और विनाश करना चाहते हैं, ऐसे सभी साथियों को सलाम जिनकी क्रांतिकारी सोच है, जो भगत सिंह और अम्बेडकर जी महाराणा प्रताप की आज जयंती के अवसर पर उन्होंने शुरू किया है, तो सफलता जरूर मिले, देखो 7.5 साल 8 साल में तो हमने कार्रवाई होते देखी नहीं, ये लोग कहते थे घोटाले किए हैं लोगों ने, तो पुराने लोग तो आज तक कोई जेल में नहीं गया, वो सारे लोग तो इनके सहयोगी बन गए, इनके दोस्त हैं, आज भी वो प्राइवेट जहाजों में घूम रहे हैं, तो सबको पता है कि भ्रष्टाचार ये खुद भी कर रहे हैं, ये खाते भी हैं, और जिन्होंने पहले खा लिया उनको बचाते भी हैं, और नीचे के लोगों को खिलाते भी हैं, तो ये इनका जो नारा है कि जीरो टॉलरेंस कहाँ कहीं, वो तो सिर्फ नारा है, पूरे हरियाणा को लूट के खा गए और पूरे देश को इन्होंने बेच दिया,
देश बेचने में लगे हुए हैं, हर तरीके से देश बेच दिया। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदेश देश में दंगे, ये भाजपा का पर्याय बन गए। तो इसलिए लोग ऐसे लोगों को समय आने पर उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। भ्रष्टाचारी जो पहले के भ्रष्टाचारी थे सारे, जिनका ये नाम ले लेके पूरे देश में लोगों को गुमराह करके वोट ले गए, आज ये सारे उनके दोस्त हो गए। कुछ तो बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी में नहीं गए वो सारे दूर के धुले, इन्होंने साबित कर दिए। क्यों? मिल करके इनका चल रहा है, देश को लूटने का ये ठगबंधन है, गठबंधन है, और उसमें ये जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, ये सब इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित है। और इसीलिए ना अब कोई बोल रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए बीच बीच में कुछ चर्चा हो जाती है, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं है। और देश इन्हीं चीज़ों से छिक चुका है और एक अल्टरनेट मॉडल को चाहता है, एक नई वैकल्पिक व्यवस्था को चाहता है, जो शोषण पर आधारित ना हो, जो सशक्तिकरण कर सके, लोगों को न्याय दे सके, लोगों का भला कर सके। आज भी हमारे सारे साथी यहाँ पर इस धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं, आगे भी रहेंगे, और बीच बीच में फिर दोबारा जब भी जरूरत होगी हम यहाँ पर आते रहेंगे। और इन साथियों को मैं यही कहूँगा कि किसी ने किसी को तो ये बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होती है, तो आज इन्होंने फैसला किया है तो सरकार झुकेगी, और नहीं झुकेगी तो समय आने पर लोग झुकाने का काम करेंगे। डरता तो वो है जो गलत काम करता है, जिसने खुद चोरी कर रखी हो, जो पाक साफ है, ईमानदार है, जो लोगों के लिए लड़ता है, उसको क्या किस बात का डर है? सरकार तो चोरों की सरकार है, चोरों से टकराने में तो क्या डरना है? मौजूदा बीजेपी की सरकार है, वो छुट्टी ले रहे हैं आप पर भी, कि जिस पार्टी में आप जाते हो उसका करें। देखो, मैं तो जहाँ जाता हूँ ये तो उनको भी पता है, बहुत बीजेपी से मिल के कांग्रेस ने राजनीति कर ली इस प्रदेश में, अब उनके भी जाडा चढ़ रहा है, ये तो समय बताएगा जब 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। तो इसलिए आज विषय नहीं है, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कितने उनके दाने हैं वो सारा सामने आ जाएगा, और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसमें प्रदेश की जनता स्पष्ट करे। निकाय चुनाव में आपको सिंबल नहीं दिया गया, बीजेपी को मिल गया, INLD को मिल गया, आम आदमी पार्टी का झाड़ू अभी तक उसमें नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो निकाय चुनाव अनाउंस ही नहीं हुए भाई, सर इस हफ्ते होने की संभावना है। हो गए तो झाड़ू पे लड़ोगे या वैकल्पिक? जो आप देखिए, जहाँ पार्टी फैसला करेगी मिल करके, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि साथियों को सिंबल दिया जाए, और सिंबल तो अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का, तो उसको कौन रोक सकता है, वो तो सिंबल आ जाएगा जहाँ चुनाव। क्या तैयारी है, किस प्रकार का तैयारी एजेंडे को लेकर जाएंगे? तैयारी पूरी है, तैयारी तो ये भ्रष्टाचार है, जगह जगह भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा स्वास्थ्य की जो सेवाएँ हैं वो ठीक से उपलब्ध नहीं है लोगों को, किसान सड़कों के ऊपर है, मजदूर को काम नहीं है, तो मुद्दे हैं। कर्मचारी रोज सड़कों के ऊपर वो उतरे रहते हैं बेचारे। महंगाई है, 18 महीने में सिलेंडर 50% दाम बढ़ गए हैं, 560 से लेकर आज 1000 रुपये हो गए, उसको किस प्रकार देख रहे हैं सर आम जनता का? उसको इसी प्रकार देख रहे हैं कि भाई सरकार से ना तो उनको राज चलाना आ रहा है, ना चीज़ें कंट्रोल में है उनके, और जब लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय इसमें तो दूसरे फैक्टर्स का रोल है, जब उनकी सरकार नहीं थी तब तो कहते थे। आज डॉलर जो है 77 रुपये 48 पैसे पहुँच गया, प्रधानमंत्री जी के पुराने बयान देख लो, वो कहते थे डॉलर की कीमत रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले उनकी गिरती है जिनका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, तो ये तो बहुत ही गिरा हुआ निकला भाई, तो ऐसे गिरे हुए लोगों को क्या करना है चाहिए, आप बताइए। सर, पिछले 20 साल के दौरान भिवानी नगर परिषद में गलियों के निर्माण में सिर्फ 1000 करोड़ का घोटाला और सामने आया है, तो उस दौरान आप भी उस सरकार का हिस्सा रहे हैं कांग्रेस? मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं था, एमपी सरकार का हिस्सा नहीं होता, एमपी के पास ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर होती, वो संसद का जरूर सदस्य होता है, और संसद के सदस्य के तौर पर हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ सकते थे वो लड़ी। अगर घोटाले हैं
तो मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ, वो सारे सामने आने चाहिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए, इसमें राष्ट्रहित, समाज हित, प्रदेश का हित देखना चाहिए, और जो हित उसमें सिद्ध होता है उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि कार्रवाई जिसके ऊपर भी बनती है वो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।